मेरा नाम जिज्ञासा है और मैं लखनऊ से हूँ। और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे साथ करीब पिछले 6 महीने पहले ही हुई है। उस घटना के दौरान मैं चंडीगढ़ से वापस अपने शहर लखनऊ जा रही थी और मैं ट्रेन में थी। वो सफ़र बहुत ही ज़्यादा रात का था और लंबा था। पहले ही मेरी ट्रेन 1.5 घंटा लेट हो चुकी थी और रात बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। जैसे ही मैं अपनी ट्रेन के अंदर गई, मैं अपनी कोच में आसपास देख रही थी कि कौन कौन है या मेरी बोगी कितनी ज़्यादा भरी हुई है, पर मेरी कोच में ज़्यादा लोग नहीं थे। जो भी थे वो सभी सो रहे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। जैसे ही मैं ट्रेन पर आई, मैंने किसी को भी नहीं देखा, पर अचानक से मैंने नोटिस किया कि मेरे पीछे एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत के चेहरे के ऊपर उसने सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ था। शायद वो सो रही थी, पता नहीं, पर वो थोड़ा वियर्ड सा लग रहा था देखने में। पर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना सारा सामान जमाया और थोड़ी देर तक बैठे ही रही। मैं लेटे लेटे अपनी किताबें पढ़ रही थी कि मैंने नोटिस किया कि बहुत समय बीत चुका है और वो औरत वैसे ही पोजिशन पर बैठी हुई थी, वो हिल भी नहीं रही थी। अब उसे देखकर मुझे थोड़ी घबराहट सी होने लग रही थी कि ये कौन है, और मैंने उसे ट्रेन पर चढ़ते हुए भी नहीं देखा था। मैं बस ओवरथिंक कर रही थी शायद। फिर थोड़ी ही देर के बाद रात के करीब 2 बज रहे थे और मैंने सोचा कि अब मुझे सो जाना चाहिए, कि तभी मैंने देखा कि वो औरत वैसे ही बैठी हुई थी। और अब मुझे घबराहट होने लगी थी क्योंकि हो सकता है कि वो औरत कोई चोर हो या पता नहीं कौन हो। अब इतनी ज़्यादा देर के बाद मुझे वॉशरूम जाना था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत है कौन। मैं उसके पास अपना सामान इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्या पता वो मेरा सामान ही चोरी कर ले। बहुत देर तक मैंने अपना प्रेशर कंट्रोल करके रखा और बस बैठी ही रही। वैसे भी ये ट्रेन बहुत सारे स्टेशन पर रुक रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बाथरूम चली गई और कोई चोर चक्के ट्रेन पर घुस आए और मेरा सामान लेकर चले गए, या वो उनसे मिली हुई हो, मैं अकेले थी तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। और मेरे आसपास भी कोई भी मौजूद नहीं था जो जाग रहा हो। बहुत सारे स्टेशन चले जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई तो आएगा हमारी कोच पर या बैठेगा, जिसे देखकर मुझे थोड़ी तो राहत हो कि मेरे साथ कोई है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उससे बात कर उसके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ। कम से कम इसी बहाने उसके चेहरे पर से वो कपड़ा तो हटेगा। अगर वो मेरा सामान लेकर भाग गई या उसने कुछ कर दिया तो मैं पुलिस को क्या ही बताऊँगी, मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा है। चोरी चकारी, सामान छीन कर भाग जाना, छेड़छाड़ करना या कुछ भी, और मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा था, ना ही उसकी आवाज़ सुनी थी। इसलिए मैंने सोचा कि उससे बात करना ही बेहतर होगा। इसके बाद मैं उसे आवाज़ें लगाने लगी, मैं आंटी को बुलाने लगी, पर वो थोड़ी वियर्ड तरीके से बात कर रही थी। उन्होंने अपने चेहरे से वो कपड़ा हटाया ही नहीं, और मैंने उनसे जो कुछ भी सवाल पूछे उसका वो अजीब तरह से ही जवाब दे रही थी। जैसे कि मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रही है। वो औरत मुझसे बहुत ही ज़्यादा दबी और धीमी आवाज़ में बात कर रही थी। उसकी आवाज़ मैंने सुनी थी, वो उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक बूढ़ी औरत है, और उसकी आवाज़ में हल्का सा भार था और वो थोड़ी सी हिल रही थी उसकी आवाज़, जैसे कि अक्सर बूढ़े लोगों की होती है। उसकी आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैं अपनी दादी जी से बात कर रही हूँ। मैंने उस औरत से ऐसे ही पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्या करते हो, और आखिर आप अपना चेहरा इस तरह से ढक कर क्यों बैठी हुई हैं। पर हर बार वो मुझे एक अजीब सा ही जवाब दे रही थी। उनके जवाब सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शायद मुझे ज़्यादा बताना नहीं चाहती, और शायद जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हूँ। जैसे कि जब मेरा पहला सवाल था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसका जवाब था कि मैं तो तुम्हारे साथ जा रही हूँ। उनका ये जवाब सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और एक अजीब सी हंसी आ गई मेरे चेहरे पर। तब मैंने उनसे पूछा कि
आप वहाँ जाकर करेंगी क्या? तब उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहूँगी और फिर वहाँ से चली जाऊँगी। मानो जैसे वो मेरी हर बात को मजाक में उड़ा रही थी, पर मुझे जानना था कि आखिर वो कौन है। उनकी आवाज़ भी अब अजीब सी होने लगी थी और मैं भी अब बातों को खींच कर पूछ रही थी कि आखिर तुम मुझे बताती क्यों नहीं होगी तुम कौन हो और आखिर तुमने अपना चेहरा इस तरह से ढका हुआ क्यों है। तब उसने कहा कि तुम मेरा चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहोगी और ये भी नहीं जानना चाहोगी कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। आखिर वो औरत इस तरह से बात क्यों कर रही थी? पर उसके बाद उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उस औरत ने कहा कि तुमने ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा ही कम नंबर लाए हैं। मैंने तुमसे कहा था पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम अब पढ़ना पूरी तरह से छोड़ चुकी हो। ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी क्योंकि ऐसा मुझे मेरी दादी जी कहा करती थी और वो आवाज़ भी बिल्कुल मेरी दादी जी जैसी ही लग रही थी। मैं चुप हो गई थी पूरी तरह से। तब उस औरत ने कहा कि अब तुम चुप क्यों हो गई हो, कुछ कहती क्यों नहीं, अपना करियर पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है तुमने। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, अब ये औरत मुझे अनजान नहीं लग रही थी, मुझे ये मेरी दादी जी ही लग रही थी। पर डराने वाली बात तो यही थी क्योंकि मेरी दादी जी एक साल पहले ही गुजर चुकी थी। डर की वजह से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कही कि तुम अपने चेहरे से ये कपड़ा हटाओ, मुझे दिखाओ कि तुम कौन हो। उसने कहा कि तुम नहीं देखना चाहोगी, तुम डर जाओगी। पर इसके बाद मैं उसे धमकी देने लगी कि तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तब उसने अपने चेहरे पर से वो कपड़ा हटाया। वो और कोई नहीं, मेरी दादी ही थी। वही चेहरा और उनके सर पर वही चोट लगी थी। उनकी मौत छत से नीचे गिरकर हुई थी क्योंकि उनका पैर फिसल गया था और उनके चेहरे पर वही चोट थी जिस पर से खून आ रहा था। उनका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए थे, मानो जैसे मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया हो। मैं बस वहाँ से भागना चाहती थी। मैं भागते हुए बाथरूम की तरफ चली गई। वैसे भी मुझे पहले से बाथरूम जाना था, पर उनका चेहरा देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने करीब आधा घंटा बाथरूम में ही बिताया और हिम्मत कर रही थी बस बाहर आने की। मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ही ज़्यादा, पर मैं उनसे ऐसे नहीं मिलना चाहती थी। मैंने हिम्मत की और मैं बाथरूम से बाहर आई। मैंने उन्हें उसके बाद पूरी जगह ढूंढने की कोशिश की, पर वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। जब तक मैं बाथरूम में थी तब तक ट्रेन चल ही रही थी, वो किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकी थी। तो फिर आखिर कोई चलती हुई ट्रेन से कैसे उतर सकता है? आगे जाकर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, वहाँ पर भी मैंने उस औरत को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। क्या वो सच में मेरी दादी थी जो मुझसे इस तरह से बातें करने आई थी? आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा यकीन मानिए, आप किसी भी मरे हुए इंसान से वापस मिलना नहीं चाहेंगे।